हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीके टेक्निकल फंडा पे। दोस्तों, आज हमारा जो पीके टेक्निकल फंडा फैमिली है वो 1K कंप्लीट कर चुकी है, तो इसके लिए हम अपने सभी सब्सक्राइबर बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि आप हमारे इस छोटी सी पीके टेक्निकल फंडा फैमिली का यदि हिस्सा नहीं बने हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल पे क्लिक कर ले ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज जो है दोस्तों, हम ये जो बैटरी स्प्रेयर पंप होता है उसी के रिपेयरिंग के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेके आए हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों के अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो दुकानें नहीं खुल रही है, इस वजह से हमारे जो किसान भाई है यदि उनका स्प्रेयर पंप ख़राब हो जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो कहाँ पे बनवाए। तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियो लेके आए हुए हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने बैटरी स्प्रेयर को नीचे से खोल लिया है, नीचे का जो कवर होता है वो खोल लिया है। इसमें स्विच को ऑन ऑफ करने से या रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने से किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई भी मूवमेंट इस पर नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसके जो पीछे का जो बैक कवर होता है, नीचे का कवर, वो हमने इसमें पहले ही खोल रखा है। वो हम लास्ट में आपको दिखा देंगे कि कैसे उसमें फिट करते हैं। तो ये अभी किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें टोटल डेड है। तो अभी हमने इसको खोल के अब इसमें सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें बैटरी चेक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जनरली जो हमारी स्प्रेयर में जो बैटरी होती है वही ज़्यादातर ख़राब होती है, या तो वो लो हो जाती है या तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो इसे हमने पहले भी चेक करके देखा था, इसे चार्जिंग पर लगाया था तो इसमें किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसका मतलब इसमें हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि इसमें जो बैटरी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या बैटरी जो है वो ख़राब हो चुका है। बैटरी को आप मल्टीमीटर या फिर एक सिंपल वायर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा बैटरी के साथ मीटर है, 12 वोल्ट इसमें बैटरी होती है, 12 वाट की बैटरी होती है। इसके साथ में ये इसमें LED पॉइंट, ये हमारा ये आप चार्जिंग स्विच है, ये हमारा बैटरी का वोल्ट दिखाता है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये रेगुलेटर है और ये पूरा अपना वायरिंग है बस। अभी जो है हमारे इसमें बैटरी, इसमें दिक्कत है, बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी हमारी लो हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो उसी को हम रिपेयर करेंगे। ये हमारा बैटरी जो खराब हुआ वाला है, अभी इसको रिप्लेस करेंगे। हमने दूसरा एक नया बैटरी रखा हुआ है, इसको साथ इसके साथ हम रिप्लेस करने वाले हैं। दोस्तों, बैटरी जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो उसमें या तो सोल्डरिंग होती है या तो फिर उसमें क्लिपिंग होती है, तो बेटर होगा कि आप उसमें, अगर से आपके पास में सोल्डरिंग आयरन है तो उससे आप सोल्डरिंग करें ताकि उसमें लूज होने का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर से चलते चलते लूज हो जाता है तो उस वक्त फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए आप सोल्डरिंग आयरन यदि आपके पास में है तो उससे सोल्डर करें, जैसे कि अभी हम वीडियो में कर रहे हैं। और अगर से सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो इसमें छोटे छोटे क्लिप आते हैं, बैटरी क्लिप जो कि कनेक्शन करने वाले होते हैं, आप वो भी इसमें आराम से लगा सकते हैं। इसमें हमने दोनों ही कनेक्शन को अच्छे से सोल्डर कर लिया है। सोल्डर करने के बाद में हम बैटरी को एज इट इज़ वैसे ही वापस फिट कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब कोई इसमें और दिक्कत है। तो ये बैटरी को हम वापस चलिए फटाफट फिट कर देते हैं। यहाँ पर बैटरी जो है ये हमने फिट कर दिया है इसमें। अब इसके बाद में इसका कवर लगा देते हैं, उसके बाद में फिर आपको चालू कर दूँगा।
जल रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो प्लेयर है वो पूरी तरह ठीक हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सवाल है या आपके कोई कन्फ्यूज़न है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद।